यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, हर पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। मेंटली करेंगे, पहले तो cos x को डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 10x, इंटीग्रल ऑफ 10x होता है माइनस log cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा है, यानी बेसिकली आपको मिलेगा इसका इंटीग्रल, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x, तो क्या हो जाएगा, और cos x का आपने डिवाइड भी किया है, x का कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y cos x इक्वल टू 6x² / 2 यानी 3x² + c। अब x की वैल्यू π/3 पर y 0 ये गिवन है, तो y की वैल्यू 0 रख दी, तो ये π/3 रख दिया, ये भी 0, तो 3 × π² / 9 मीन्स π² / c का वैल्यू आ गया +c = 0 या c का वैल्यू आ गया -π² / 3। एक तरह से इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई, y × cos x = 3x² - π² / 3। राइट, अब आप x की वैल्यू π/6 पर y पूछा है, 6 रख दो यहां पर, तो ये हो गया √3/2 3 × π² / 36 - π² / 3। राइट, ये आ गया, अब क्या हो जाएगा, तो y × बस सॉल्व ही करना है, √3/2 ये कैंसिल 12 times, अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए तो 12 आएगा, तो π² - इसका एलसीएम 12 आएगा, ये हो जाएगा 4π², तो बेसिकली ये हो जाएगा 6 times कैंसिल, तो आपको मिल गया y = −3π² / √3। राइट, या ऐसा भी बोल सकते हैं −√3/6π², दिस इज द राइट आंसर। ये पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूं कि क्या करना था। आप समझिए, सबसे पहले तो आपने cos x का डिवाइड किया, मैंने आपको बोला था मेंटली करने की कोशिश करिए, −y tan x = 6x sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा dx एंड दिस इज e power log cos x, तो बेसिकली बचा cos x। cos x का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है y × cos x = 6x dx + c मिलता है, बस केवल इसी को इंटीग्रेट करना था, आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 terms ऑफ एन एपी इज 33। देखिए 3 terms का समेशन, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको क्या करना है, डायरेक्टली बताता हूं, 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155, देन द 11th term ऑफ द एपी, 11th term ऑफ द एपी बताना है। आपको पता है एपी के 3 terms जब भी लें तो यही लीजिएगा, जिससे कैलकुलेशन जल्दी होती है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो 3d = 33, देन d = 11, वैल्यू 11 आ गया। राइट, a - d + a + d, तो सॉरी a वैल्यू 3a = 33, देन a = 11। अब a 11 आ गया, तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो a² - d² = 115/11। राइट, 115/11 क्यों कर दिया मैंने, इसका डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं जो आपको हमेशा से बोलता मल्टीप्लाई, तो अब ये a का डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, देखिए 105 टाइम, अच्छा ये हो गया 121 - 105 = d², यानी बेसिकली d² = 16, यानी d = ±4। अब दो बातें हैं, आपको पता है अच्छे से कि दो तरह से होते हैं, अब d + −4, इसका मतलब 4 कम कर दो, तो एक सीरीज होगी 7, 11, 15, 19 ऐसे, और एक होगी रिवर्स ऑर्डर में, 15 माइनस लोगे, पहला 15 होगा जब d - 4 लोगे, फिर 11, फिर 7, फिर 4 कम कर दो तो 3, ऐसे चलेगी। अब देखिए आपसे बोला है सम अप टू 11 terms, अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से देख के पता चल रहा, अगर d की वैल्यू में पॉजिटिव ले लूं तो 11 terms का समेशन इनमें से तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस के 2 answers है, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया बाय डिफॉल्ट, अगर देखें तो 26 हो गया, ये और बड़ा हो गया, तो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज कंसीडर की गई। अब ये ऑप्शन कई बार इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, कई बार डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं, इंक्रीजिंग में डी पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में निगेटिव, बट यहां बोला नहीं है, पर ऑप्शन ये बता सकते हैं कि डी प्लस 4 नहीं लेना, यानी इसको ऐड करने का टाइम वेस्ट मत करने लगना, अदरवाइज ये टाइम आपका कहीं ना कहीं लॉस होगा। आप सीधे सीधे, आपसे पूछा 11 terms, तो a + 10d, तो 10d = 4, तो -40, दिस इज -25, देन दिस इज द राइट आंसर।
राइट, इसका निकालने की भी जरूरत नहीं है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो हम निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना टाइम किल कर रहे हैं। आपके लॉजिक इस पर स्ट्रांग होना चाहिए, आप इजीली बता पाओ कि कब क्या करना है। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन कोन वाला आपको पेपर, पिछले पेपर में भी आया था। एन इन्वर्टेड कोन विद सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इक्वल टू टेन वर्स वन बाय टू इज बीइंग फिल्ड विद वाटर एट द रेट ऑफ 5 cm³ पर मिनट। यूनिट से हमें पता चल जाता है क्या दिया, डीवी बाय डीटी दिया है, कितना 5 cm³ पर मिनट। तो मैंने आपको एप्लीकेशन के बेसिक कंसेप्ट बताया था। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ वाटर व्हेन हाइट ऑफ वाटर इज 10 cm। यानी आपको डीएच बाय डीटी पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3। आप देखिए इन्वर्टेड कोन है, कुछ इस तरह से इमेज बनाने के लिए समझा रहा हूं, ये हो गया। इसमें आपको 10 cm ये बोला है, इस कुछ हाइट तक, ये जैसे ये हो गया, ये वाटर है, ये रेडियस मान लीजिए आर है, ये हाइट मान लीजिए एट, ये थीटा हो गया। ये गिवन है आपको, 10 inverse θ = 10 inverse कितना 1/2। यानी 10 θ कितना गिवन है, 1/2। 10 θ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक तरह से r इक्वल टू हम बोल सकते हैं h बाय, तो याद रखिए h के टर्म में आंसर चाहिए तो ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, r बाय h। अब आप वॉल्यूम में रख दिया, v इक्वल टू 1/3 pi h स्क्वायर बाय 4 इंटू h, यानी बेसिकली 1/12 पाई इंटू एच क्यू। विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करिए तो dv बाय dt इक्वल टू 1/4 pi एच स्क्वायर इंटू डी एच बाय डी टी, ये गिवन है कितना, तो 5 इक्वल टू पाई एच स्क्वायर बाय 4 डी एच बाय डी टी। आपसे डी एच बाय डी टी पूछा है, स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज नहीं लिखता। 5 इंटू 4 अपॉन पाई, एच कितना दिया है 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10, राइट, यानी आपको एक तरह से मिल गया 20 कंप्लीटली कैंसिल, 1/5 pi सेंटीमीटर पर मिनट, 1/5 pi सेंटीमीटर पर मिनट। कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलर प्रीवियस पेपर जैसे ही क्वेश्चन था, वन था डीएच बाय डीटी पूछा था, वॉल्यूम होता है 1/3 pi r² h, आर निकालने के लिए आपको गिवन था सेमी वर्टिकल एंगल्स 10 inverse = 1/2। बस ये एक कंसेप्ट यूज करके आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ एच रखो, डिफ्रेंशिएट करो तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ पॉइंट ए -8.5 एंड बी 6.5 लाई ऑन अ सर्कल सी वन, द लाइन 3y = x+7 इज अ डायमीटर ऑफ सी, ओके ये डायमीटर ऑफ सी है, रेक्टेंगल ए बी सी डी विच इज इंस्क्राइब्ड इन साइड द सर्कल इज कंप्लीटेड, देन द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आपको इस एक रेक्टेंगल का एरिया बताना, थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन लॉजिकल है। अगर इस क्वेश्चन, ये कुछ क्या होता है, कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, वाई फिक्स है, इसका मतलब चेंज हो रहा है, तो अगर हम इसको समझें लॉजिकली तो कुछ इस तरह का सर्कल हो सकता है, कुछ इस तरह का सर्कल हो सकता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए ये हुआ ए जिसके कोऑर्डिनेट है -8.5, ये मान लीजिए हुआ बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6.5, तो ऑब्वियसली यहां पर रेक्टेंगल बनेगा तो ऐसा ही बनेगा सेम जगह पे, तो इसका मतलब यहां का एक्स, इसको ए बी सी एंड डी, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं 6.β या अल्फा मान लीजिए, 6.α, कुछ भी अल्फा बीटा लेते हैं अक्सर, तो हमने 6.β। अगर मैं आपको बोलूं इसके क्या होंगे तो आप बोलते हैं -8.β। अच्छा एक बात, ये जो है, ये जो लाइन है, ये बोलिए 3y = x+7 एज अ डायमीटर, इसकी अगर डायमीटर है 3y = x+7, ठीक है, तो आपको एक चीज ये तो पता है इसकी लेंथ कितनी है, अगर इन दोनों को देखें तो 14, इसकी विड्थ और मिल जाएगी तो एरिया मिल जाएगी, वो कैसे मिलेगी, तो बहुत सिंपल है। अगर मैं, आपको पता है डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो इसको सेंटर से होके जाएगा जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं तो -1, -1.5 + β/2 वो इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दीजिए, तो 3 × 5 + β/2 = −1 + 7, यानी 6 बचा,
राइट, तो 5 प्लस बीटा इक्वल टू ये 6 12 बाय 3 यानी 4 यानी बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 1। अब बीटा की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो ये माइनस 8 माइनस 1 है और ये 6 माइनस 1 है, राइट तो ये 6 माइनस 1 है तो ये लेंथ भी मिल गई। कैसे, अगर आप इसको देखेंगे तो ये लेंथ आएगी 6। अब एरिया बोला है तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो 14 × 6 दिस इज द 84 इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उलझ भी सकते थे इस क्वेश्चन में, ये डिपेंड करता है कि आपने किस ढंग से अपनी पढ़ाई की है। पूरे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट था कि एक पॉइंट ए एंड बी, इसमें वाई फिक्स था। इस तरह के क्वेश्चन हमने हमेशा कॉनिक्स में किए हुए हैं, जहां पर हम देखते हैं जब कभी जनरल होता है कि सेंटर ऑफ ए फोकाई ऑफ द एलिप्स 2 4 एंड -4 2, तो जो वाई फिक्स होता है उसके अबाउट एक्सेस होता है, वैसे यहां पर कंसेप्ट था कि वाई फिक्स था तो एक ये हो गया, तो -8 5 6 5, तो इसी के पैरेलल ये हो गई लाइन, तो 6 बीटा और -8 बीटा। अच्छा, इनका मिड पॉइंट जो है वो इसकी डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका या इसका किसी का भी कर लेते एक ही बात है। तो आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली, एक लेंथ पता थी, एक लेंथ निकाल ली, तो आपको एरिया मिल गया। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज अ पैराबोला, देन मिनिमम एरिया ऑफ अ सर्कल टचिंग पैराबोला एट 1, 2 एज वेल एज एक्स एक्सिस। ओके, आपको इस सर्कल, एक ऐसा समझ लीजिए पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, सपोज 1 2 यहां पर होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल का ये कट करते हुए नहीं जा रहा, इस सर्कल का आपको एक्स एक्सिस बोला। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे जो भी सर्कल होगा उसका रेडियस हमेशा क्या होता है, अगर मान लो यहाँ के कोऑर्डिनेट x 0 है तो यहाँ के होंगे x, y, तो रेडियस होता है y के इक्वल। तो अगर मैं इसको, इसके रेडियस को r मान लूं, तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे x, r। अच्छा, सर्कल का सेंटर, वो सर्कल जो है वो टेंजेंट लाइन 1 2 पर है, तो हम यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं जो कि सेंटर से जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट करिए, सिंपल तरीका 2y = 2y (x) dy/dx इक्वल टू 4, तो dy/dx इक्वल टू y की वैल्यू रख दी 2, तो 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y - 2 = -1 × x - 1, देन x + y = 3। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब कोई भी सर्कल की नॉर्मल सेंटर से जाएगी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है x, r, सेटिस्फाई करेगी, तो x + r = 3, y की जगह r रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई 3 - r। तो एक तरह से अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि सर्कल का जो सेंटर है वो हो गया 3 - r, r, और ये इस पॉइंट से सर्कल पास भी हो रहा है 1 2 से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा r। तो अगर मैं ये निकालूं तो देखिए 3 - r - 1 यानी 2 - r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस निकाला तो फाइनली मिलेगा r² - 8r + 8 = 0। फैक्टर बना के देखिए, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, r = फॉर्मूला मेथड से करो, 8 + -64 - 32, 32 ही बचेगा, 32 मतलब 4√2/2 यानी 4 + -2√2। अब देखो आपसे एरिया मिनिमम बोला है, तो मिनिमम बोला तो r की वैल्यू छोटी लो, 4 - 2√2, अगर मैक्सिमम बोला होता तो प्लस लेते। अब एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 - 2√2 का स्क्वायर, तो 2 तो पहले ही चाहो तो बाहर लिख दो या अंदर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बाहर लिख दिया तो 4 बाहर आ गया, 4 पाई, तो 2 - √2 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लो तो 4 पाई, इसका स्क्वायर किया तो 4 + 2 - 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - 2√2, 8 पाई * 3, राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन का ब्रीफ समझ लीजिए, फिर क्या किया है, सबसे पहले बोला है कि एक सर्कल है जो पैराबोला को 1 2 पर, और सर्कल को मतलब एक सर्कल है जो पैराबोला को 1 2 पर और एक्स एक्सिस पर टच करता है, एक्स एक्सिस पर जो भी टच करेगा उसका रेडियस वाई वाले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो मैंने अगर इसका रेडियस आर माना तो आर हो गया, इसको एक्स लिखा, 1 2 से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली, बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका स्लोप निकाला, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 - -2 = -1 होता है, तो नॉर्मल का स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में x और r की वैल्यू रख के x निकाल लिया, एंटर ऑफ r सिंगल वेरिएबल हो गया, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, उससे रेडियस मिल गया,
मिनिमम बोला इसलिए नेगेटिव वाला लिया, मैक्सिमम बोला था तो पॉजिटिव वाला लेते, उससे आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया, राइट? नोट